So guys, after eating the paan in Meghalaya and Manipur, this is the time I am trying the paan in Assam. Assam में पान खाने का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है, और जैसे नॉर्थ आसाम आओगे जो पान और जो आपका बीटल नट होता है वो थोड़ा बहुत ही कच्चा रहता है, और वो मिट्टी के नीचे में रख के जब उसको निकालते हैं, ये सुपारी या कोई आरिका नट्स जो है वो यहाँ पे खाते हैं. एंड आई वॉन्टेड टू हैव द वेरी बेसिक रूडिमेंट्री वे ऑफ ईटिंग पान जो हम लोग आसाम में यहाँ पे हमको मिल रहा है. मतलब एकदम से वो नट जो अंदर में था उसको छील के वो लोग दे रहे हैं. एंड इफ आई एम टेकिंग ए व्हिप, ओ माई गॉड, एक्सट्रीमली पंजेंट, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मतलब क्या है ये, मतलब मुझे इतना दूर से भी तुम मुझे इतना दूर से स्मेल आ रहा है, वेरी पंजेंट मैन. वाओ, मेरा मतलब ऐसे दिमाग ऐसे हिल गया है पूरा ऐसे. मतलब मैं वो दुकान के पास खड़ा था तो इतना ज्यादा स्मेल क्या आ रहा है, तो आई वाज आस्किंग द गाय एंड ही वाज टेलिंग मी कि इससे ही स्मेल आ रहा है. तो फिर उसको जैसे छीलने लगा तो माय गॉड, वो जो स्मेल आ रहा था उसमें से, वो दिस इज बिकॉज द बीटल नट हैज बीन फर्मेंटिंग. हां, मतलब जो सॉइल में वो फर्मेंट होता है, और ये बहुत ही कड़वा रहेगा जितना मुझे सुना. ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा कड़वा रहेगा. और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे असम में पान को तमूल बोलते हैं. आप यहाँ पे जाओगे ना तो तमूल, पान तमूल ऐसा आपको सुनने में आएगा. इट इज़ प्रेटी, मतलब जैसे डिराइव फ्रॉम संस्कृत. संस्कृत में उसको तांबुला बोलते हैं. और हम लोग जैसे ओडिशा में भी जैसे भगवान का पूजा करते हैं, कोई अगर मतलब कोई पूजा है, फेस्टिवल है, जब भगवान के पास खाना भोजन दिया जाता है तो भोजन के एंड में हम उनको पान ऑफर करते हैं, ऐसे माउथ फ्रेशनर. जो संस्कृत में इसका श्लोक भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, उसको जैसे भगवान के पास देने के टाइम पे ये बोला जाता है, पूगी फलम महादैव्यम नागवली दलर युक्तम एला चूर्ण्य संयुक्तम तांबुलम प्रति ग्रहणम. तो इसका मतलब है, पूगी फलम मतलब है ये वाला जो आपका बीटल नट है, आरिका नट है, इसको बोलते हैं पूगी फलम. और नागवली मतलब आपका जो पान को नागवली जो ये है लीफ वो बोलते हैं. और एलार चूर्णियम मतलब आपका जैसे कार्डमम है, इलायची का भी थोड़ा पाउडर डाला जाता है उसमें. और उसके बाद भगवान को बोला जाता है कि आप ये ग्रहण कीजिए, हम लोग आपको अर्पण कर रहे हैं. और तांबुलम जैसे ये मिल गया, ये पान जो बन गया उसके बाद, दैट इज़ कॉल्ड तांबुलम, और उससे ये डिराइव हुआ है तमूल. अभी मैं इसको ट्राई करूँगा. मेघालय में भी इतना स्केयर्ड नहीं होता जितना स्केयर्ड मैं इसको ट्राई करूं. I am scared for you. Don't think, just try. Okay, I will try. पहले क्या पान, जितना पंजेंट वो स्मेल कर रहा है उसको पान के साथ चबाने के टाइम पे वैसा स्मेल बिल्कुल भी नहीं है. मेघालय वाला पान मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बट इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन दैट. बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही बिटर है, और मतलब ख़त्म ही नहीं कर पाया मैं पूरा, मतलब नशा होने तक मैं रुका नहीं. आई डोंट नो वेदर ये किक देता है कि नहीं देता, बट इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू हैव इट फुल्ली. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट. असम इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट आरिका नट या बीटल नट प्रोड्यूसर है. 90,000 टन के आसपास उन्होंने 2019-20 में प्रोड्यूस किया था, तो यू कैन अंडरस्टैंड. और आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे जो बीटल नट के प्लांट्स आपको हर जगह पे दिखेगा. आप जैसे जहाँ जहाँ पे ट्रैवल करोगे आपको बीटल नट का ट्री तो दिखेगा ही दिखेगा.
एंड इफ आई एम कमिंग टू आसाम एंड नॉट ट्राइंग द ऑथेंटिक द बेसिक गुआ, इसको गुआ बोलते हैं यहाँ पे, और इसको अगर मैंने ट्राई नहीं किया देन आई वुड बी लूजिंग आउट द एक्सपीरियंस. सो आई हैड टू ट्राई दिस एंड दिस वॉज द तामुल एक्सपीरियंस फ्रॉम असम.